हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गायत्री मेकओवर। ये जो आप आई मेकअप देख रहे हो प्यारा सा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने किया है इस वीडियो में। और ये हमारे मेकअप का पार्टी और मेकअप का फाइनल लुक है, बहुत ही इजी से तरीके से मैंने किया है। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेगा, और ये जो हेयर स्टाइल आप देख रहे हो इसका भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, वो भी आप जरूर देखना। ये मैंने मुश्किल से 5 या 10 मिनट में हेयर स्टाइल किया था, बहुत ही इजी सा हेयर स्टाइल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना ये बता दूं कि जो मेकअप में जो प्रोडक्ट मैं यूज करूंगी वो भी मैं साथ साथ बताते जाऊंगी, जिससे कि आप जो है जब मेकअप करते हैं आपको पता रहे कि कौन कौन से प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा मैंने वैसे प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज किए हैं। तो मैं आई टेक्निक का आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा आउटफिट था हमारे क्लाइंट का, वो यहाँ पर डार्क पर्पल शेड का था, तो मैंने लाइट सा पर्पल पिंकी शेड लिया है, और हमारा पूरा जो क्रीज एरिया होता है वहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। सिर्फ मैंने इसमें 3 कलर यूज किए हैं। एक कलर तो मैंने वो यूज किया है जो हमारा जो शेड आ रही थी हमारे आउटफिट के अंदर, थोड़ा सा पर्पल पिंकी शेड में। अब दूसरा जो कलर मैंने लिया है सिर्फ हमारे जो आई लैसेस होती है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन, उसी शेड का थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लिया है, ताकि हमारी जो आईज का लुक है वो स्मोकी सा लुक आए। ये मेकअप मुश्किल से मैंने 15-20 मिनट में कर दिया था, और इसी तरीके को फॉलो करके आप लोग भी, कई बार होता है हमारे सैलून में बहुत सारे क्लाइंट आ जाते हैं और हमें फटाफट से मेकअप करना होता है, तो इस आई टेक्निक को आप यूज कर सकते हो। क्योंकि आई मेकअप में अगर हम डिटेल में जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आजकल जो आई लुक क्लाइंट को चाहिए वो बहुत ही सिंपल से और बहुत ही सोबर से क्लाइंट को लुक चाहिए, तो उस तरीके से उस टाइम पर आप लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हो। और जो तीसरा कलर मैंने यूज किया है वो क्या है, ब्लैक आई शेडो। आप लोग देख सकते हैं सबसे मैंने पूरे क्रीज एरिया पर एक पिंकिश सा पर्पल सा जो है शेड ब्लेंड कर दिया है, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन आई लैसेस के पास, और आई लैसेस के पास ही मैंने थोड़ा सा ब्लैक का भी टच दिया है। तो उसके ऊपर मैंने जो है जेल लाइनर लगा दिया है, जेल लाइनर लगाया है उसका, मेबलिन का लगाया है, बहुत अच्छे से ये वाटरप्रूफ होता है और बिल्कुल भी छूटता नहीं है। तो ब्रश की हेल्प से हम लोग, काजल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग जेल लाइनर से आप लोग इस तरीके से एप्लीकेशन कर दोगे, और एप्लीकेशन को इस तरीके से मर्ज कर दोगे आप ब्रश की हेल्प से, ताकि उसकी एक हार्श लाइन ना बने, तो बहुत ही अच्छे से स्मोकी सा लुक आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो हमारी आईज जो है मुश्किल से 2 मिनट में कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे जो हमने जेल लाइनर लगाया उसी से हम वाटर लाइन पर भी जो है काजल का काम कर देंगे, उससे कि हमारा जो काजल बहेगा भी नहीं और बिल्कुल ब्लैक भी नहीं होगा, क्योंकि जेल लाइनर है और बहुत ही स्मोकी सा। ब्रश से ना थोड़ा सा वो कर देंगे, ब्लेंड सा करके छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो है एक लाइन ना बने। कोई भी आप काम करते हो तो उसे हार्श लाइन मत दिखाओ उसके काम करने की, उससे स्मोकी लुक आता है, बहुत ही नेचुरल लुक आता है। अब हम, वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी इतनी कॉन्टोरिंग करने की, पर हल्का सा आई अंडर आई के नीचे मैंने दिया है ऑरेंज कलर का जो करेक्टर है वो। उसके बाद मैं यहाँ पर मेबलिन की फिट मी की जो फाउंडेशन आती है वो वाली यूज करूंगी, क्योंकि फेयर कलर है और हमारे एक नेचुरल शेड आता है फिट मी में, वही मैंने यूज किया है। उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, थोड़ा सा मैंने जो जो हमारे लिप्स है उसके चारों तरफ भी हल्का सा मैंने किया था ऑरेंज का। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है फाउंडेशन, मेबलिन का ही है फिट मी, और पूरे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फेयर कलर का ही टोन का यूज किया है, फेयर टोन का, क्योंकि इनका काफी जो कलर था वो ऑलरेडी फेयर था। और जब हमारे पास इस तरीके का जो फेस आता है जिस पर कोई पिगमेंटेशन नहीं होती, बिल्कुल फेयर होता है, तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती नहीं है। हल्की सी अंडर आई के नीचे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया, उसके बाद डायरेक्टली मैंने जो है वो लगा दिया है फाउंडेशन, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से टैप टैप करके उसे सेट कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि जब हम काफी लोगों के साथ, काफी जो बिगनर्स होते हैं मेकअप करते हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम आती होगी कि जब हम फाउंडेशन लगा देते हैं और उसके बाद हम उसे सेट भी कर देते हैं, सील भी कर देते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर से, लेकिन उसके बाद भी जब हम लोग फिंगर टच होती है या फिर हमारा हाथ लग जाता है तो निशान पड़ जाते हैं। तो उसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि वहाँ पर कमी कहाँ रह जाती है, कमी हमारी कहाँ रहती है। जब हम ब्यूटी ब्लेंडर जब हम लगाते हैं सेट करते हैं फाउंडेशन को, तो अच्छे से सेट नहीं करते,
बहुत जल्दी हमारा जो मॉइस्चर हमारा स्किन पर लगा हुआ होता है वो भी सेट नहीं हो पाता। उसके बाद प्राइमर भी लगा देते हैं, वो भी सेट नहीं हो पाता। और हम टाइम नहीं देते हैं प्रोडक्ट को सेट होने के लिए। जो जो भी प्रोडक्ट हम लोग लगाएंगे वो फटाफट से एक लेयर बाय लेयर लगाते जाएंगे और वो हमारा सेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है वो बहुत केकी हो जाता है। और हाथ लगाने से जो है जहाँ पर भी हम लोग फिंगर टच करेंगे वो निशान पड़ जाते हैं। तो जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हो उसे स्किन के अंदर मर्ज होने दो, सेट होने दो, उसके बाद ही दूसरा प्रोडक्ट लगाओ। तो फिर आप लोग देखना कि हमारे मेकअप में कितना फ्लॉलेस और कितना हमारा ग्लो आएगा, सेट होएगा प्रोडक्ट हमारा। हमारी यही गलती रहती है कि हम फटाफट से सारी लेयर बाय लेयर सेट करते चले जाएंगे, ये नहीं देखते कि हमारा जो है पहला जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छे से स्किन के अंदर गया भी नहीं है, टाइम नहीं देते यानी के बीच में। और जब हम फाउंडेशन लगा देते हैं उसके बाद जब हम कंसील सील करते हैं अपने फाउंडेशन को कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर लूज पाउडर से, उसे भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सेट करने के लिए। सेट करने के बाद आप लोग फिंगर टच करके देख लो कि हमारा जो फाउंडेशन है वो सेट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हमने लूज पाउडर लगा दिया बस हो गया और छोड़ दिया, उसके बाद फटाफट हमने ब्लशर और जो है कॉन्टोरिंग कर दी और लिप कलर लगा के फाइनल टच दे दिया। पहले आप अच्छे से उसको देखो, सेट करो, और सेट होने के बाद चेक करो कि हमारा सील हुआ है कि नहीं हुआ है, बाकी फिर उसके बाद आप लोग बाकी काम करो। वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है, क्योंकि डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है। मेकअप के वीडियोस तो आपको बहुत सारे आपको चैनल पर जो है मिल जाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन गलतियाँ होती हैं हमारी, क्योंकि जब हम वीडियोस देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बहुत ईजी है बहुत अच्छे से, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे सामने वे जो गलतियाँ होती हैं जो प्रॉब्लम्स होती है वे हमारी क्लियर नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जो मेरा इस वीडियो में मेन है, आप फाउंडेशन कोई भी यूज करो, क्रीम बेस करो या फिर लिक्विड बेस करो, उसे अच्छे से सेट होने दो। सेट होने के बाद ही उसे आप जो है अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से उसे सेट करो पहले, उसके बाद उस पर आप कॉम्पैक्ट पाउडर और या फिर जो लूज पाउडर से आप सेट कर रहे हो वो चीज़ यूज करो। जब वो सेट हो जाए उसके बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ। यहाँ पर जो है मैं आपको बताती हूँ कि बाकी का जो मैंने यहाँ पर आइज का जो हमारा मस्कारा रह गया था वो अप्लाई किया है, और ये बहुत ही मैजिक सी चीज़ मैं आपको लगा रही हूँ, ग्लिटर। ये जो ग्लिटर मैंने यहाँ पर यूज किया है ये है क्राइलोन का, इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, बहुत ही अच्छा सा हल्का सा भी आप इससे टच दोगे ना इस पर एकदम से जो है ग्लिटरी लुक आ जाएगा, और बहुत ही इसके पार्टिकल्स सब बहुत ही माइल्ड है। तो आप लोग अपने मेकअप में इसे इंक्लूड जरूर करना, क्योंकि ये हल्का सा भी टच करते हैं ना तो बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है इसके ऊपर। अब जो मैंने यहाँ पर ऊपर कलर लगाए थे आई शेडो के, वही मैंने थोड़ा सा नीचे टच दिया है ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे लिप कलर। लिप कलर यहाँ पर मैंने जो है ब्राउन कलर का आई शेडो लगा करके, लिप कलर लगा करके सॉरी, और उसके बाद जो है एक प्यारा सा पिंक स्टोन का जो है लिप कलर अप्लाई कर दिया था। ये हमारा फाइनल लुक है। और हाँ एक बात और बता दूँ, जब हमारा मेकअप जो है फाइनल हो गया था तो मैंने यहाँ पर इस पर जो मेकअप फिक्सर होता है क्राइलोन का यूज किया था। आप लोगों ने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि मैंने यहाँ पर जो मेकअप को सेट कर दिया था लास्ट में, उससे क्या होगा कि हमारा जो मेकअप है थोड़ा सा ग्लोसी और शाइनी दिखाई देता है। अगर आपको भी ऐसा चाहिए तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वारी हो मेकअप से रिलेटेड, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, और मेकअप कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए ऑलरेडी मेरे मेकअप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई है मेकअप की हेयर कट की, आप लोग वो भी जरूर चेक करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।